जैन छात्रों, आज हम आपको रक्स, रक्षा करना, धातु रूप पढ़ाएंगे। धातु रूप आपके पांच प्रकार के होते हैं, लट लकार, लिरिट लकार, लोट लकार, विधिलिंग लकार और लंग लकार। चलिए पढ़ते हैं। सबसे पहले रक्ष, रक्षा करना, लट लकार वर्तमान काल, पुरुष प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, वचनम एकवचनम, द्विवचनम, बहुवचनम, रक्षति रक्षतः रक्षन्ति, रक्षसि रक्षतः रक्षत, रक्षामि रक्षावह रक्षामहे, रक्षति रक्षतः रक्षन्ति, रक्षसि रक्षतः रक्षत, रक्षामि रक्षावह रक्षामहे। रक्ष लिट लकार भविष्यत काल, पुरुष एकवचनम, द्विवचनम, बहुवचनम, रक्षति रक्षतः रक्षन्ति, रक्षसि रक्षतः रक्षत, रक्षष्यामि रक्षयावह रक्षियामहे। लिट लकार भविष्यकाल, रक्षयति रक्षयतः रक्षयन्ति, रक्षयसि रक्षयतः रक्षयत, रक्षयामि रक्षयावह रक्षयामहे। रक्ष लंग लकार भूतकाल, अर्थात भूतकाल में जो काम होता है उसके लिए हम लंग लकार का प्रयोग करते हैं। लंग लकार में हम प्रारंभ में ए और बाद में अत जोड़कर प्रारंभ करते हैं, प्रथम पुरुष में। चलिए देखते हैं कैसे। ए रक्षत, ए रक्षताम, ए रक्षन, ए रक्षह, ए रक्षतम, ए रक्षत, ए रक्षम, ए रक्षाव, ए रक्षाम। ए रक्षत, ए रक्षताम, ए रक्षन, ए रक्ष, ए रक्षतम, ए रक्षत, ए रक्षम, ए रक्षाव, ए रक्षाम। रक्ष लोट लकार आज्ञार्थक, अर्थात रक्ष का लोट लकार आज्ञार्थ में कैसे प्रयोग करते हैं, चलिए देखते हैं। रक्षतु रक्षताम रक्षन्तु, रक्ष रक्षतम रक्षत, रक्षानि रक्षावह रक्षामहे, रक्षतु रक्षताम रक्षन्तु, रक्ष रक्षतम रक्षतः, रक्षानि रक्षावह रक्षामहे। रक्ष विधिलिंग लकार चाहिए अर्थ में, अर्थात करना चाहिए, जैसे उसे करना चाहिए, उन दोनों को करना चाहिए, वे सब करें, काम करने के अर्थ में हम विधिलिंग लकार का प्रयोग, अर्थात चाहिए अर्थ में हम विधिलिंग लकार का प्रयोग करते हैं। जैसे प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, एकवचनम, द्विवचनम, बहुवचनम, रक्षेत रक्षेताम रक्षेयुः, रक्षे रक्षेतम रक्षेत, रक्षेयम रक्षेव रक्षेम, रक्षेतः रक्षेताम रक्षेयु, रक्षे रक्षेतम रक्षेत, रक्षेयम
रक्षेव रक्षेम। विशेष, अभी तक आपने पांचों लकार में बहुत से रूप पढ़े, किंतु कुछ अन्य नित्य प्रयोग में आने वाली धातुओं के प्रथम पुरुष एकवचन के सभी रूप इसी प्रकार चलते हैं। चलिए देखते हैं। जय हिंद। आज हम अदस के पुरलिंग के शब्द रूप पढ़ेंगे, सर्वनाम के शब्द रूप। चलिए देखते हैं। अदस पुरलिंग, अदस का मीनिंग होता वह। प्रथमा विभक्ति, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी ही, षष्ठी और सप्तमी विभक्ति। वचन एकवचनम, द्विवचनम, बहुवचनम। चलिए पढ़ते हैं। असो अमू अमीहि, अमूम अमू अमूनः, अमूना अमुभ्याम, अमू अमीभि, अमुष्मयी अमुभ्याम अमीभ्य, अमुष्मात् अमुभ्याम अमुभ्य, अमुष्य है अमूयो अमीश्याम, अमुष्मिनः अमूयो अमीषु। एक बार फिर देखते हैं। चलिए। असो अमू अमीहि, अमूम अमू अमूनः, अमूना अमुभ्याम अमुभि, अमुष्मयी अमुभ्याम अमिभ्य, अमुष्मात् अमुभ्याम अमिभ्य, अमुष्य अमूयो अमीश्याम, अमुष्मिन् अमूयो अमीषु। अब हम संस्कृत के कुछ समयवाची शब्द भी पढ़ेंगे जो हमें समय का बोध कराते हैं। जैसे हमारे महीने में दो पक्ष होते हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। कृष्ण पक्ष जो डार्क नाइट होती है और शुक्ल पक्ष जो चांदनी रात होती है। वैसे ही दिन रात, सुबह शाम, इनको हम संस्कृत में क्या होते हैं कहते हैं, चलिए इसका अध्ययन करेंगे। कृष्ण पक्ष है कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष है शुक्ल पक्ष, दिवस दिन, रात्रि रात, प्रातः सुबह, मध्याह्न दोपहर, अपराह्न तीसरा पहर। तीसरा पहर अर्थात दोपहर के बाद, दोपहर के बाद 3 बजे का जो समय होता है उसे हम अपराह्न कहते हैं संस्कृत में। सायं शाम, होरा घंटा, जैसे वन आवर, वन आवर संस्कृत में उसको क्या कहेंगे, होरा। मुहूर्तम 2 घड़ी का समय। क्षण क्षण है सेकेंड, अध अध मीन्स आज, स्व कल कल आने वाला कल, और जो बीता हुआ कल होता है उसे संस्कृत में है बीता हुआ कल, अधुना आजकल या अब, परसवः परसो। चलिए एक बार और देखते हैं। कृष्ण पक्ष है शुक्ल पक्ष है, दिवस है रात्रि, प्रातः है मध्याह्न, अपराह्न सायं, होरा मुहूर्तम, क्षण अध, स्वह है अधुना, परसवह है।